पुलिस अधीक्षक भिंड श्री मनोज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक श्री आनंद राय के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना देहात निरीक्षक राम बाबू सिंह यादव नेतृत्व में थाना देहात पुलिस द्वारा संदेही सुनील तोमर पुत्र मोनेश सिंह तोमर उम्र 35 वर्ष निवासी अमहेला अम्बाल जिला मुरैना हाल मुकाम करहल चौराहा मेनपुरी उत्तर प्रदेश को, जहां पर जामना रोड SBI ATM के पास मैं अलग अलग बैंकों के 11 ATM कार्ड के साथ जब्त करते हुए गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर उक्त संदेही द्वारा बताया गया कि दिनांक 2 जनवरी 2021 को मेनपुरी से अपने गांव जाते समय सुभाष चौराहे के पास एक व्यक्ति को ATM से पैसे निकालते समय पीछे से खड़े होकर उसका ATM पिन देख लिया तथा बाद में उस व्यक्ति से बड़ी चतुराई के साथ ATM कार्ड को चोरी कर लिया था और फिर उसके बाद महगांव के ATM से 45,000 रुपये निकालना बताया। उक्त अपराध के अलावा आरोपी द्वारा भिंड में थाना फूप के इटावा रोड ATM कार्ड चोरी की घटना को अंजाम देना और साथ ही में आरोपी द्वारा भिंड के अलावा उत्तर प्रदेश के इटावा मैनपुरी एवं अन्य जगहों से ATM बूथों से अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड बदलकर कार्ड धारकों के खाते से रुपए निकाले गए हैं। आरोपी चालाकी और चतुराई से भोले भाली जनता के साथ मदद के बहाने से ATM से पैसे निकालने में बड़ी चतुराई से हूबहू बैंक का ATM कार्ड चोरी कर दूसरा पकड़ने में दक्षता रखता है। साथ ही में इस गिरफ्तारी की सूचना जिला भिंड के अलावा आसपास के जिले एवं भिंड में सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के जिलों को भी भेज दी गई है। बाइट्स लगाएं, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।